कल जो पंजाब और हरियाणा के किसान जो दिल्ली को कूच करने को आए थे, उनके पहुंचने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वो दिल्ली में उनके रहने की और उनके प्रोटेस्ट करने की जगह की व्यवस्था करें, और उसी व्यवस्था के दौरान उन्होंने इस ग्राउंड को चुना था। यह कल की बात थी, परंतु आज सुबह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा ग्राउंड खाली है। यहाँ पर आपको ट्रक्स नहीं दिखेंगे, ट्रॉलीज नहीं दिखेंगी, टैंकर्स नहीं दिखेंगे, और ख़ास तौर पर किसान नहीं दिखेंगे। मेजॉरिटी ऑफ ट्रक्स, मेजॉरिटी ऑफ किसान, वो अभी भी सिंघू बॉर्डर और टीगरी बॉर्डर पे ही है। उनका यही कहना है कि हम यहीं पे बैठेंगे और यहीं पे चक्का जाम करके बैठेंगे ताकि सरकार के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बन सके। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर टीकरी के पास, जो बॉर्डर है वहाँ पे। कल से ही यहाँ पे किसानों, हज़ारों की तादाद में किसान मौजूद हैं और उन्होंने इस पूरे रोड को ब्लॉक किया हुआ है। इनका कहना है किसानों का कि जब तक उनकी ये मांग नहीं मानी जाती, वो लोग यहीं रहेंगे और वो दिल्ली को के राज्य मार्गों को यहाँ पे ब्लॉक करके रखेंगे, क्योंकि वो अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए पूरे देश को, ना कि सिर्फ सरकार को, पूरे देश को अपनी बात सुनाने के लिए आए हैं यहाँ पर। जो खेती के लिए 3 कानून पास किया है, उसमें जो लोकल मंडी है वो हमारा ख़त्म कर दिया है। मोदी बोलता है हमको आपने खुली मंडी दे दिया है, जहाँ भी अपना प्रोडक्शन है जहाँ बाहर लेकर चले जाओ वहाँ बेचो, लेकिन पंजाब से बाहर और हरियाणा को छूटकर किसी भी सूबा में, किसी प्रांत में ये हमारे जैसा भाव नहीं मिल रहा। जो दूसरे सूबों वाले हैं वो पंजाब हरियाणा में माल बेचते हैं, हम कहाँ लेकर जाएं, खुली मंडी कहाँ दिया हमको। जो ये कानून मोदी सरकार ने बनाया है, इसमें इन्होंने कोई MSP का नहीं रखा हुआ। जो हमें, जो हमारा धान होता है, जोना होता है, उसका रेट है 1900 रुपया। अगर वो प्राइवेट, उसको बहुत चीज़ें प्राइवेट की हैं, जैसे पहले जियो का सिम जारी किया था इन्होंने, पहले लोगों में फ्री बांट दिया, उसके बाद अभी वो 600 का रिचार्ज होता है। वैसे ही इन्होंने इसकी MSP है जो वो कानून में बिल्कुल नहीं लिखा उसका। जल्दी से जल्दी ये अंडानी अबानी है, जो प्राइवेट अदारा होगा वो हमसे अभी, जो हम 1900 बेचते हैं वो हमारा 800-900 रुपये में ये खरीदेंगे। और दूसरी बात यह है इसमें कि अगर हम उसमें हमारा कोई सही कानून में हमारा, हमें उसका प्राइस नहीं देगा, हम उसमें कोर्ट में इसको चैलेंज करते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ SDM का कोई पावर दिया कि अगर हमारे साथ कोई अन्याय होगा तो हम SDM के पास जाएंगे। SDM क्या करेगा, जब पूरा देश उठ के मोदी के द्वार पे आके खड़े हुए हैं, मोदी खुद हमारी बात नहीं सुनने को तैयार, तो एक SDM हमारा क्या न्याय करेगा। वो तो 10 लाख जो प्राइवेट वाला हमारा 900 में जोना और कनक खरीदेगा, वो उसको 10 लाख देगा तो वो हमारी क्या बात सुनेगा। बताइए, जो अमीर लोग हैं उनकी अदालतों में सुनवाई होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज सरकार के बारे में फैसला नहीं करता उसको बदल देते हैं, सेशन कोर्ट में जो जज फैसला नहीं करता वो उसको भी बदल देते हैं, कहाँ सुनवाई करेंगे। असी यही कहने मोदी साहब नू, जे उन्हें चंगा रहना है तो साढ़े हक सानू दे आपदे काले कानून वापस ले, असी जी काले कानून वापस करा के हटा। ये मोदी हमको नहीं चाहिए, ये कानून वापस कर दो। और दूसरा बोलता है कानून किसानों के हक में है, किसानों को फायदा होगा, हमारे पास टेबल पर बैठ जाइए, हमें समझाइए कैसे फायदा होगा। अभी हमारी टीम मेरठ बॉर्डर से जो काफिला किसानों निकला है उसके साथ आ रही है। पीछे देख सकते हैं किस तरह से किसानों का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, ये मोदी नगर से होते हुए मुरादनगर की तरफ से बढ़ रहे हैं। और ये किसानों का काफिला जिसको देखिए, दिल्ली यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस से सीखते हुए इनका रास्ता नहीं नौकरी, बल्कि इनकी स्कॉर्ट करते हुए अपने साथ ले जा रही है। दुनिया भर की बातें उन्होंने झूठ बोलने के सिवा कुछ काम ही नहीं है, सारे दिन झूठ बोलना है, अपनी राजनीति करनी है, लड़ाई करवाते हैं आपस में, कह दिया ना साहब ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसकी लड़ाई करवाते हैं और अपने हम पर राज करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होने का। गुंडागर्दी तो बिल्कुल चलने की नहीं सरकार की, आज दिल्ली जा रहे हैं, आर पार की लड़ाई है। हमारी 100 रुपए की चीज को सरकार मानती है कि 2 रुपए में खरीदे, आज किसान जागरूक हो गया है, आज किसान 100 रुपए की चीज को 2 रुपए में नहीं देगा, लड़ेगा और दिल्ली जाएगा और अपनी सारी बातों को मनवा कर रहेगा।
कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार किसान के बारे में कुछ नहीं सोच रही। अगर सरकार सोचे थोड़ा भी सोच ले, वो एक बार प्रतिनिधियों को या सीधा किसानों को ही बैठा ले। बस कैसे प्रधानमंत्री है जो किसानों से बात नहीं करना चाहते? जब तक प्रधानमंत्री किसानों से बात नहीं करेंगे उसे समस्या का पता नहीं लगेगा, और समाधान ही कैसे कर देंगे प्रधानमंत्री? हम आज किसान यूनियन के माध्यम से अपनी मांग मनवाने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। जो ये कानून लाई है सरकार, इनके विरोध में प्रदर्शन है। जो हमारे किसान भाई पंजाब और हरियाणा से आ रहे हैं उन पर आंसू गैस वाटर कैनल का प्रयोग करा जा रहा है, उनके विरोध में, उनके समर्थन में हम जा रहे हैं। मारने का काम तो अपने आप कर रहे हो और हम पे डंडे फिरवाते हो, अपने आप गरम गरम कमरों में सो रहे हो, एसी लगा लगा कर, हीटर लगा लगा कर, और हमारे किसानों में रात दिन उसमें पड़े हैं ठंड में, और ऊपर से पानी की बौछार करवा रहे हो। शर्म तो है नहीं तुम्हें? पहले भी हम गए थे मगर हम चुपचाप आ गए थे, अब क्या ऐसा नहीं होगा। हम हैं दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पे, जहाँ पर अभी 31 किसान यूनियन जो पंजाब की हैं उनकी मीटिंग चल रही है, और मीटिंग का एजेंडा यही है इस बात पर पहुँचना कि क्या किसानों को बॉर्डर पॉइंट्स जो है उनको छोड़कर बुराड़ी जाना चाहिए। नाम मिला ग्राउंड को, हम परमिशन लिया था, म्यूनिसिपैलिटी का परमिशन लिया भी था, सब्जेक्ट टू पुलिस पर, पुलिस वहाँ नहीं दे रहा। यहाँ बैठ के 40 किलोमीटर दूर में बैठ के क्यों तो आया आंदोलन? हमारा बात करने का, ये तो हमारा हक नहीं है अपने कैपिटल में जाके सरकार के पास हमारा बात करने का। पहले से ऐलान था कि हम 26 तारीख को दिल्ली जाना है, 26 तारीख को हमने दिल्ली को कूच कर दिया। 26 तारीख को हमारे को शंभू बॉर्डर पर रोका गया, बहुत बड़ी वहाँ लगाई भी थी, वो उनने ब्रेक भी यहाँ से गा आगे नहीं जाने देखे, पर ये पंजाब का किसान था, इसको कौन रोक सकता? पानी का हड़ नहीं रुकता, ये तो जनता का हड़ा, किसानों का हड़ा, इसको कौन रोक देगा? ये कानून इतना प्यारा है, ये किसानों का, ये 47 के बाद कत्ल हुआ है, ये मोदी ने किया है। पहले 47 में हम उजड़े थे, हम पाकिस्तान से आए हैं, अब मोदी हमारे पंजाब को, हमारे हिंदुस्तान को बेच रहा है। वो बोलता है ना आमदन दुगनी करूंगा, बोलता है देश को बिक्री नहीं दूंगा, आप बेचूंगा, आप बेच रहा है। अडवाणी को आप बेच रहा है, कहना मैं बिक्री नहीं दूंगा, आप बेचूंगा, आप बेच रहा है, हानू बेच रहा है, हड्डी जमीन बेच रहा है, जे हड्डा सब कुछ ही बेच गया, अहीं आने वाली पीढ़ी नुकी जवाब देंगे। यहाँ पर मजदूर, किसान, मास्टर, डॉक्टर, जिन्नी भी जूनियर 500 हिंदुस्तान की सारी यहाँ पहुंची भी, और सारा हम मोदी की नासों में दम करके जाएंगे। सरकार जो कर रहे हैं धोखा दे रहे हैं, बार बार खाली अखबार में बोल रहे हैं मीटिंग है। मीटिंग तो जगह होगा, प्लेस होगा, एजेंडा होगा, विदाउट एजेंडा को मीटिंग हो सकता है? हमारा 1 पॉइंट डिमांड है, 1 पॉइंट, पूरा देश का किसान आंदोलन, सिर्फ पंजाब का किसान आंदोलन नहीं है, सरकार पंजाब का किसान आंदोलन के देश के किसान आंदोलन से अलग करने की चक्रांत साजिश है, इसको अलग दिखाने की कोशिश की। पर हमारा सारे देश का किसान का एक ही डिमांड है, 3 किसान विरोधी कानून और बिजली बिल वापस लेना, और इसके अलावा हमारा दूसरे कोई डिमांड। इस पर बात करेगा तभी बात होगा, नहीं तो बात क्या हो? वो हमको समझाएगा अच्छा कानून है, बार बार तो समझा रहे हैं अच्छा कानून है, तो किसान सब बेवकूफ है कि पूरा देश के वो समझते हैं इसके हमारे खतरे हैं, हमारा ये मौत का घंटा है इस चार कानून। ये बोलता ना हम रद्द नहीं करेंगे, हम रद्द करा के जाएंगे या जान दे के जाएंगे।